दोस्तों यहाँ पे एक चक्रट कील बैक है जो कि काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है शायद, और इसको अब हम यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, अन्यथा ये अगर यहाँ ऐसे ही फंसा रहा तो ये मर जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी अपने उसमें छिपा तो है लेकिन अगर यहाँ से नहीं निकल पाया तो क्या होगा। इसीलिए इसको कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहाँ से निकल जाए और ये अपना अनुकूलित वातावरण में चला जाए। यहाँ पूरा ये नदी है दोस्तों लेकिन ये निकल नहीं रहा है, शायद ऐसा लग रहा है मेरे को ये फंस चुका है, और काफ़ी अगर ऐसे फंस जाएगा तो क्या होगा दोस्तों इसका हालत आप सोच सकते हैं। एक ये पत्थर है, एक चीप है, क्योंकि इसकी सर तो छोटा होता है लेकिन इसकी जो अंग होती है वो काफ़ी टेस्टेड काफ़ी बड़ी होती है, उस हिसाब से इसको निकालना होगा। और वो अपना बचाव के लिए वो कहीं भी छिप सकता है, ऐसा होता है कभी कभी। इसको कोशिश है दोस्तों निकालने का, और निकल जाए यहाँ से तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फंस गया तो दिक्कत होगा। दोस्तों लगता है मेरे को फंस ही गया है ये, क्योंकि फंस गया होगा दोस्तों तो ये कैसे निकलेगा फिर, इसलिए नहीं फंसना चाहिए मेरे ख्याल से, भगवती इसके लिए बनाए रखे, अन्यथा फंस गया तो क्या होगा। लग रहा है दोस्तों बहुत नॉर्मल जगह में छिप चुका है ये, हाँ इस निकल जाएगा, अब निकल जाएगा दोस्तों, और निकल गया तो अपना अनुकूलित वातावरण में चला जाएगा, और धीरे धीरे निकल रहा है दोस्तों। हमारा भी कोशिश रहेगा इसको यहाँ से निकालने की, काफ़ी फंसा हुआ था दोस्तों और इसको हम बचाने का पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम ही है दोस्तों इन पर्यावरण जीवों को बचाना। अब इसको हम पानी में छोड़ देंगे, और ये दोस्तों नदी है, अब इसको हम ले जाके पानी में छोड़ेंगे और इसके वातावरण में ये सेफ्टी से अपना ज़िंदगी गुजार लेगा दोस्तों। ये रहा इसके लिए दोस्तों कि अपना पानी में तैर के चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, तब तक के लिए दोस्तों कहिए।